अमृतसर के शहीद उधम सिंह नगर में महिलाओं को सुरक्षित नहीं है। यहां पर छेड़छाड़ का विरोध करना युवती के लिए जान पर बनाया। सरेआम युवती पर तेज धार हथियार से हमला किया गया, उसके घर पर भी पत्थरबाजी की गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। मैं अपने भरा की कुड़ी नूं छुट्टी दवा के लिआंदी पई सी होस्पिटलों, तो कुछ मुंडे ही उत्थों मेरी चुन्नी उन्होंने छोर खिंच दिता, एक मेरे नाल जबरदस्ती करन लगे तो अहीं भज्जे आ गए। अशु नार होनी है 70-80 होने। पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी 3 महीने की बेटी को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर उसकी पत्नी और बहन रात करीब 10 बजे घर लौट रही थी, तभी कुछ युवकों ने उनसे छेड़खानी की, जिसके बारे में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की। अगले दिन शाम को युवती के घर लौटते वक्त उन्हीं युवकों ने दोबारा युवती से बदतमीजी की और पत्थरबाजी करके उसके घर के कैमरे तोड़ दिए। पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर FIR दर्ज करवाई गई है और CCTV फुटेज की जाँच भी की जा रही है। राती तकरीबन 10 बजे का 10-11 बजे के बीच का टाइम सी, तो छुट्टी दवा गया है तो मोड़ तो नेरा बड़ा सी, तो उत्थे जाके उन्होंने छेड़खानी की। अच्छु नाहर का भरा ही ते नाल उहदा छोटा भरा ही अच्छु नाहर, दोनों जने ते नाल इन्हां नाल एक दो जने होर सी, इन्होंने छेड़खानी की। इन्नी देर च मेरी वाइफ ते मेरी भैन जदों घर आ गए, उन्होंने सानू दस्या, असी वेखण लगे कौन हैगे है, ते इन्नी देर च उह ਬਾਬਾ 10 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਬਲਈ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀਪੂ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕੁਛ, ਤੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। तो सुना आपने, साहब ने तो कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया, मगर सवाल तो ये है कि आखिर कब महिलाएं बेझिझक अपने घर से बाहर निकल पाएंगी, क्योंकि ना तो प्रशासन इस पर ध्यान दे रही है और ना ही पुलिस। अमृतसर से जनता टीवी के लिए जसबीर सिंह की रिपोर्ट।